नमस्कार बच्चों, मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक और अभ्यास कार्य लेकर। जी हाँ, तो आज का अभ्यास कार्य है स्वर ओ पर गोला लगाइए। स्वर ओ मतलब आपको पहचानना है कि मैडम ने यहाँ कहाँ कहाँ स्वर ओ लिखा हुआ है और उसको आपको गोला करना है। चलिए अपने अपनी नोटबुक निकालिए, उसमें ठीक इसी प्रकार लिखिए और फिर ओ पर गोला लगाइए। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या ये ओ है? नहीं, ये नहीं। तो क्या है ये? अ से अनार। और ये क्या है? इ से इमली, छोटा इ। ये क्या है? जी हाँ, ये है ओ। ओ तो ओ पर हम क्या करेंगे? गोला लगा देंगे इस प्रकार, ओ से ओखली, ओ से ओखली। चलिए अगले, ये जी हाँ, ये क्या है? ओ से ओखली। तो फिर से हम इस ओ से ओखली को कर देंगे सत्य, गोला लगा देंगे। अब ओ से ओखली का, क्या ये ओ से ओखली है? नहीं। तो क्या है ये? यह है बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। आम कहाँ है? आ, ये बड़े आ से आम। फिर अगला स्वर क्या है? अ से अनार, मतलब ना तो ये ओ से ओखली है और ना ही ये, तो ओ से ओखली ये रहा जिसे हमने गोला कर चुका है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये क्या है? ये है बड़ी ई। अब हम इसे ई नहीं बोलेंगे वरना वो छोटा ई हो जाएगा, छोटा ई मतलब ये वाला छोटा ई से इमली। तो ये क्या है? बड़ी ई, ई से ई। तो इसे हम सर्किल या गोला नहीं लगाएंगे। ये क्या है? जी हाँ, ये है ओ से ओखली। तो चलिए आइए हम इसको भी गोला करते हैं। तो ये क्या है? ओ से ओखली, ओ से ओखली। ये क्या है? री से ऋषि, मतलब हम ना तो इसको गोला करेंगे और ना इसको गोला करेंगे, किसे करेंगे? ओ से ओखली को। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, अगला अभ्यास कार्य अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।